नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अक्षम्य है और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के नेटवर्क को सख्ती से समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। लेबनान के आतंकी गुट हिजबुल्ला और इसराइल ने एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की और भारतीय सर्फिंग टीम ने पहली बार एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में लखपति दीदियों को सम्मानित किया और उनसे उनके कारोबार के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की महिला शक्ति ने हमेशा समाज और देश के भविष्य निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन सभी क्षेत्रों को महिलाओं के लिए खोलने की दिशा में काम कर रही है जो कभी उनके लिए प्रतिबंधित थे। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही उनकी सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि समाज और सरकार के रूप में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के जीवन को और उनके सम्मान की रक्षा करनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय को अधिक से अधिक सरल और स्पष्ट बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जटिल प्रक्रियाएं न्याय को कठिन बना देती हैं। प्रधानमंत्री आज जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए देश में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अप्रासंगिक हो चुके कई कानूनों को रद्द किया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आपराधिक कानूनों में किए गए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सुधार बहुत आवश्यक थे। उन्होंने कहा कि आज देश के 18,000 से अधिक न्यायालय कम्प्यूटरीकृत हो चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन बदलावों से सामान्य नागरिक को बहुत राहत मिली है। आज देश में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है। आज पूरे देश की 3,000 से ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और 1,200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विवाद निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था न्याय को सुगम बनाने के साथ जीवन की सुगमता को बढ़ावा देगी। श्री मोदी ने कहा कि उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायपालिका ने कई बार महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्र प्रथम के संकल्प को मजबूत किया है। आज देश में कम खर्चीले और त्वरित निर्णयों के लिए बहुत अहम रास्ता बन रहा है। वैकल्पिक डिस्प्यूट मैकेनिज्म की ये व्यवस्था देश में ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। कानूनों में बदलाव करके नए प्रावधान जोड़कर सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने त्वरित कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में काफी ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। श्री मोदी ने स्पेसटेक स्टार्टअप गैलेक्साई के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया।
मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूं। इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है। हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है। ये जो डेटा हमें आएगा इसका उपयोग हम दो क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे। पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1,00,000 युवाओं से राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इसका युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में पेरिस में पैरालंपिक्स शुरू हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से हैशटैग चीयर फॉर भारत के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलादुल नबी और तेलुगु भाषा दिवस के लिए लोगों को बधाई दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। हाँ जी, सुनती हो आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के नेटवर्क को सख्ती से समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के 100वें साल 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है। तो एक और तो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना, हमारी नस्ल को बर्बाद करना लक्ष्य है और दूसरी ओर देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सारे पहलुओं को नारकोटिक्स के बिजनेस से अर्जित किए हुए धन से प्रभावित करना भी लक्ष्य है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नशा मुक्त बनाए। गृहमंत्री ने कहा कि इससे आने वाला धन आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देता है तथा देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। गृहमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय इकाई कार्यालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर एक समीक्षा बैठक भी की गई। भारतीय जनता पार्टी ने एकीकृत पेंशन योजना का स्वागत किया है। नई दिल्ली में पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने इसके लिए एक समिति गठित की जिसकी रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। श्री प्रसाद ने कांग्रेस और पार्टी नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा करने के 2 वर्ष बाद भी इसे अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने केंद्र सरकार के एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने पटना में कहा कि राज्य सरकारों को भी इसे लागू करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना का स्वागत किया है। फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने आज नई दिल्ली में कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों के सुझावों और अनुरोधों को ध्यान में रखा गया है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री मिश्र ने कहा कि संशोधित प्रावधान से सरकारी कर्मचारियों की नौकरी और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जो भी रिटायर होगा उसको अपनी सैलरी का आधा पैसा मिलेगा पेंशन के रूप में और उस पर महंगाई राहत भी मिलने का काम होगा। इसमें पारिवारिक पेंशन भी 60% की व्यवस्था रखी गई है। मिनिमम पेंशन भी 10,000 रूपये मिलेगी और जब रिटायर होंगे तो उनको कुछ न कुछ लमसम भी मिलने का काम होगा। तो ये जो व्यवस्थाएं इसके अंदर की गई है मैं समझता हूँ बड़े स्वागत की।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसे मार्च 2024 से लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किसानों को दिन में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की योजना का दायरा बढ़ाने को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम गठित करने का भी फैसला किया है, जिससे लगभग 1.25 करोड़ व्यक्ति लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर अगले 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अध्यक्ष चुना गया है। रांची में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। श्री पासवान ने कहा कि बैठक में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव के संबंध में भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि झारखंड में पार्टी अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के साथ या अकेले चुनाव लड़ सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हिजबुल्ला और अपने सैन्य कमांडर फौज शुक्र की हत्या की पृष्ठभूमि में इसराइल पर जवाबी हमला किया है। 30 जुलाई को बेरूत के दक्षिणी क्षेत्र में शुक्र के मारे जाने के लगभग 3 सप्ताह के बाद आज सुबह यह हमला किया गया। हिजबुल्ला द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि लड़ाकों के एक समूह ने इसराइली क्षेत्र पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल से ये हमले किए। इस बीच इसराइल ने घोषणा की है कि इसने हिजबुल्ला के हमले से पहले सुरक्षा की दृष्टि से लेबनान में हमला किया था। इजरायली सेना ने बताया कि उसे इसराइल पर बड़े स्तर पर हमले की योजना का पता चला था, जिस कारण यह हमला किया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने आज हुए हमले के बारे में नेतन्याहू से बातचीत की। उन्होंने इसराइल को अमरीकी समर्थन की पुष्टि भी की। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अंतरिम सरकार से राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श कर चुनाव संबंधी आवश्यक सुधार करने को कहा है। उन्होंने जल्द से जल्द राष्ट्रीय चुनाव कराने की मांग की है। ढाका में कल एक चर्चा में आलमगीर ने अंतरिम सरकार के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया। भारतीय सर्फिंग टीम ने पहली बार एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय टीम 2026 के एशियाई खेलों में पुरुष और महिला वर्ग में भाग लेगी। भारतीय सर्फिंग संघ के अध्यक्ष अरुण वासु ने कहा कि यह उपलब्धि हमारे सर्फरों, प्रशिक्षकों और संघ की वर्षों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। एक रिपोर्ट। किशोर कुमार ने अंडर 18 लड़कों की श्रेणी में खेलते हुए कोटा हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और पूरी प्रतियोगिता में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले राउंड में पहला स्थान हासिल किया और क्वार्टर फाइनल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरीश मुथु क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। उनके कठिन परिश्रम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय सर्फर्स की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। पुरुष और महिला दोनों टीमें अब एशियाई खेल 2026 में भाग लेने के लिए तैयार हैं, जो भारतीय सर्फिंग के लिए ऐतिहासिक क्षण है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं विनय सक्सेना। 28 अगस्त से शुरू हो रहे पेरिस पैरालंपिक्स में भारत 84 खिलाड़ियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जो 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और निशानेबाज अवनी लेखरा उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें निजी कोच मिलेंगे। पैरा एथलेटिक्स टीम 38 प्रतिभागियों के साथ भारत की सबसे बड़ी टीम है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देशवासियों से 28 अगस्त से शुरू हो रहे पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का अनुरोध किया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 10 विकेट से हराकर इतिहास रचा। पाकिस्तान ने पहली पारी में 6 विकेट पर 448 रन बनाए और पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। बांग्लादेश ने पहली पारी में 565 रन बनाए, उसे पाकिस्तान पर पहली पारी के आधार पर 117 रन की बढ़त मिली। पाकिस्तान की दूसरी पारी सिर्फ 146 रन पर सिमट गई। मेहदी हसन मिराज ने 4 और शाकिब अल हसन ने 3 विकेट लिए। बांग्लादेश को जीत के लिए दूसरी पारी में सिर्फ 30 रन बनाने थे, जो उसने बिना कोई विकेट गंवाए बना लिए। 2 मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों और विदेश में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अक्षम्य और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के नेटवर्क को सख्ती से समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।
और भारतीय सर्फिंग टीम ने पहली बार एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।